नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में जिला कांग्रेस ने प्रदर्शन कर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना महामारी रोकने के बजाय मोदी व मामा सरकार लोगों को लूटने में लगे हैं। रीवा जिला कांग्रेस ने बुधवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देशानुसार प्रदर्शन कर जनता के हित में 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम पर कलेक्टर रीवा को सौंपा। इस मौके पर राज्यसभा सांसद राजमन पटेल, पूर्व सांसद देवराज सिंह, पूर्व संसदीय सचिव राजेंद्र मिश्रा, जिला कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष त्रियुगी नारायण शुक्ल भगत, शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू, प्रदेश महासचिव डीपी सिंह, डॉक्टर मुजीब खान और सिद्धार्थ तिवारी आदि मौजूद रहे। ज्ञापन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में केंद्र की मोदी व प्रदेश की शिवराज सरकार लोगों को आर्थिक सहयोग देने की बजाय पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि करके गैर भाजपा विधायकों को खरीद कर लोकतांत्रिक सरकारों को गिराने के उद्देश्य से लोगों को लूट रही है। कांग्रेस नेताओं ने बढ़ते डीजल पेट्रोल के दामों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जब कच्चे तेल का दाम विश्व बाजार में सबसे कम स्तर पर है, तब मोदी सरकार तेल के दामों में कमी करने की बजाय बढ़ोतरी कर रही है। यह देश के हर व्यक्ति के लिए अनुचित है। कांग्रेस ने डीजल पेट्रोल के दामों में कमी की मांग के साथ प्रदेश व जिले में बढ़े बिजली के दामों को कम करने के साथ कमलनाथ सरकार के दौरान जनता हितों में शुरू की गई 100 यूनिट ₹100 विद्युत बिल लागू करने की मांग की। इसके साथ रीवा जिले के किसानों को धान गेहूँ विक्रय का भुगतान शीघ्र कराने के साथ साथ खाद बीज में सब्सिडी देने की मांग की गई। इसी के साथ प्रवासी मजदूरों तथा स्थानीय बेरोजगार लोगों को रोजगार की व्यवस्था निष्पक्ष पूर्वक कराने की मांग भी की गई। रीवा से आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। धन्यवाद। लगातार मोदी जी का निर्देश था पूरे देश भर के अंदर कि व्यापारी जो किराए के मकानों में रह रहे व्यापारी और उनका किराया व्यापारियों को आम आदमियों को सहयोग की बात की जाती है कि मजदूरों का सहयोग करें, किसानों का सहयोग करें और व्यापारियों का सहयोग करें। बड़े व्यापारियों को कहा जाता है कि आप सब आम आदमी का सहयोग करें। सब देश का व्यापारी चाहे छोटा हो बड़ा हो, वो हर आदमी के साथ खड़े होकर सहयोग कर रहा है और मोदी जी अमित शाह जी डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं। ये दो तरह की बातें मोदी जी के द्वारा की जा रही है। इसी के विरोध में जो लगातार लॉकडाउन में आज आदमी खाने को मोहताज है, लेकिन जो व्यक्ति ने दिया जलवा दिया, जो व्यक्ति ने थाली पिटवा दी और वही व्यक्ति पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रहा, उसके विरोध में हम आदरणीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने आए थे। ये 6 चंदों की सरकार है मध्य प्रदेश में, धोखेबाजों की सरकार है और लगातार बिजली का बिल आम जनमानस को बढ़ोतरी के रूप में मिल रहा है और किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। उसी सब बातों को लेकर हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है। लगातार आदरणीय कमलनाथ जी के, आदरणीय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के जो भी हमारे हम कार्यकर्ताओं को निर्देश देगा, हम कार्यकर्ता उनके निर्देशों का पालन करने के लिए जेल जाने के लिए तैयार करेंगे।